गुरुवार की कुशीनगर में दुधई रेलवे स्टेशन के समीप मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रेन और स्कूली वैन की टक्कर में हुई 13 स्कूली बच्चों की मौत के मामले में पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक ने 3 ग्रेड अधिकारियों की एक जांच कमेटी बनाई है जो घटना के 9 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी संजय यादव ने बताया कि घटना की जांच के लिए रेलवे ने कमेटी गठित की है तथा जिस मानव रहित क्रॉसिंग पर घटना हुई है उस पर 1 साल पूर्व 2017-18 में एक लिमिटेड हाइट सर्वे का काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि कल की घटना चूंकि सीरियस घटना थी, इस पर जो है महाप्रबंधक महोदय ने 3 J-grade सदस्य J-grade के अधिकारी लेवल के अधिकारियों की 3 सदस्यीय इंक्वायरी कमेटी गठित की है जो इंक्वायरी कर उनको अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। इसमें डिप्टी CSO इंजीनियरिंग, डिप्टी CSO मैकेनिकल और डिप्टी CNM FOIS, ये 3 लोगों की इंक्वायरी कमेटी है। इंक्वायरी कमेटी जो है अपना काम करके और घटना से 9 दिन के भीतर भीतर अपनी इंक्वायरी कमेटी GM साहब को प्रस्तुत करेगी। मानव रहित क्रॉसिंग था तो क्या उस पर भी कोई प्रपोजल बन रहा है उसको? उस पर मैं आपको बता दूं कि पहले से ही उस पर जो है पिछले वर्ष 2017-18 में उस पर लोकल वर्क्स प्रोग्राम में एक लिमिटेड हाइट सर्वे उस पर सैंक्शन हो चुका है। उसका एस्टिमेट और टेंडर का काम चल रहा है, शीघ्र ही इस पर वो सर्वे बना दिया जाएगा। रेलवे द्वारा जो भी मानव रहित क्रॉसिंग है उसके लिए क्या? देखिए पूर्वोत्तर रेलवे पर इस समय बल्कि 1 अप्रैल 2018 को 633 कुल क्रॉसिंग थी, उसमें से 478 जो है वो बड़ी लाइन पर अनारक्षित संपार थे। इन अनारक्षित संपारों को बहुत ही जल्द और या तो उनको मैन कर दिया जाएगा या उनको समाप्त कर दिया जाएगा। घायलों के लिए जो रेलवे ने मुआवजा घोषित किया है, परिजनों के लिए जो मृत बच्चे हैं तो घायलों के लिए भी मुआवजा कुछ घोषित हुआ है? देखिए इस तरह के केस में जो अनारक्षित संपार पर जो एक्सीडेंट है इसमें नॉर्मली कोई भी राशि दे नहीं होती है, लेकिन मानवता के आधार पर माननीय रेल मंत्री जी ने सभी जो मृत बच्चे हैं उनके परिवारों को प्रति बच्चे 2 लाख रुपए की राशि सहायता राशि घोषित की है। गंभीर रूप से घायल को 1 लाख रुपए प्रति व्यक्ति प्रति बच्चा और मामूली रूप से घायल को 50,000 रुपये प्रति बच्चे राशि घोषित की गई है। उस रूट पे जो ट्रेनों का आवागमन बाधित हुआ था संचालन शुरू हो गया? ना बिल्कुल, तो कल ही शुरू हो गया। कल शाम को 4:30 बजे ट्रैक फिट मिल गया, तो उसके बाद पहली गाड़ी जो है करीब 7 बजे करीब थी, तो बिल्कुल फिट गाड़ी है, ट्रैक है और यातायात नॉर्मल रूप से संचालित।